हे गाइस, वेलकम टू अतुल्य फिजिक्स। दिस इज कार्तिकेय शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन की। सो क्या होता है रिलेटिव मोशन? एज यू ऑल नो, मोशन एंड रेस्ट, दीज आर टू स्टेट्स जो एक्चुअली डिपेंडेंट है ऑन अनदर बॉडी। यानी कि हम अभी, मैं यहाँ बैठा हूँ, सो आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, बट आई एम नॉट एक्चुअली एट रेस्ट। ये अर्थ ट्रैवल कर रही है सन के चारों तरफ, तो अगर सन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता तो अभी मेरी स्पीड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स होती है, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आर होती। सिमिलरली, अगर अभी मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस गैलेक्सी है या कोई और गैलेक्सी है तो मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। सो व्हेन आई से आई एम एट रेस्ट, इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यूजली अर्थ है या ग्राउंड है, कोई भी स्टैटिक चीज, ठीक है। सो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से चलो एक कार है, दिस इज अ कार मान लीजिए, और एक ये जा रही है यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, और एक इंसान है जो इस तरफ चल रहा है, ठीक है, ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, वॉक कर रहा है, इसका नाम बी है, कुछ भी बड्डी वड्डी कुछ भी। सो अब हमें देखना है, हमें ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि बी के पास कितना टाइम है हटने के लिए इससे पहले कि ये टकरा जाए। तो अब हम कहेंगे, एक तरीका है कि हम कहें इनके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो अगर ये टकराते हैं इसका क्या मतलब है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मारुति एंड बी बंटी इज 1 किलोमीटर। ये एक लंबा तरीका होगा, बट बेसिकली रिलेटिव मोशन को समझ के आप ये कहोगे मारुति और बंटी आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। इसका क्या मतलब है, इन दोनों की स्पीड्स को ना आप ऐड करोगे, 50 + 10 कितना हुआ, 60 किलोमीटर पर आर। अब आप कहोगे 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड है और 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अब स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यानी कि जो टोटल टाइम इट विल टेक फॉर देम टू कोलाइड और देम टू मीट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 1 किलोमीटर अपॉन 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1/60th आर इज द अमाउंट ऑफ टाइम बी हैज, इतने टाइम में इसको हटना पड़ेगा रास्ते से, और ये कितना आ गया, 1/60 आवर्स इज इक्वल टू 1 मिनट। देयरफॉर वी कैन से बी के पास 1 मिनट का टाइम है, उसको हटना पड़ेगा उससे पहले। रिलेटिव मोशन का ये फंडा है, यू हैव टू सी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अब इसमें दो जो हम एक तरह से ट्रिक्स यूज करते हैं वो ये है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, दो बॉडीज हैं, दो पर्सन्स हैं ए और बी, इफ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर तो इनकी स्पीड एड होती है, ठीक है। यानी कि एस ए बी इन दिस केस वुड बी स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, अगर वो एक दोनों की तरफ आ रहे हैं। इसको इमेजिन करने का ये तरीका है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, थीके? अगर आप भाग रहे हो और सामने वाला आपकी तरफ भाग रहा है तो ज्यादा जोर से टकराओगे, यानी कि स्पीड आपकी रिलेटिव स्पीड ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो इस टाइप से कुछ ऐसे, तो क्या होगा, देखो रिलेटिव स्पीड इस केस में भी आ गई, क्यों, क्योंकि इस आप इस तरफ जोर से भाग रहे हो, दूसरा वाला इस तरफ जोर से भाग रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो स्पीड इस केस में भी रिलेटिव ऐड होगी, तो इस केस में भी एस ए प्लस एस बी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन से। लेकिन अगर आप सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो, जैसे ये या ये इस डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन होगी, इन केसेस में आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट होगी, एस ए माइनस एस बी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेम डायरेक्शन है स्पीड माइनस होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है स्पीड ऐड होगी। अब ये तो हो गए एक डायमेंशन, एक डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जांपल, ये एक एक चोर है जिसको हम डिनोट करेंगे, क्योंकि चोर है तो हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ये एक आदमी है तो हम ए से डिनोट करेंगे। अब ये चोर जो है ये इसका बटवा मार के भाग रहा है, ठीक है, लेट्स से कि वो भाग रहा है
10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और 10 मिनट हो चुके हैं इसको भागते हुए। 10 मिनट के बाद ए को रियलाइज होता है, अरे उसने मेरा बटवा मार दिया, तो ये बहुत जोर से भागते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। तो कितना देर इसको भागना पड़ेगा बिफोर ही मीट्स दिस? आप कैसे करोगे इसको? सबसे पहले आप देखोगे कि चोरी करने के बाद ये 10 मिनट तक इस स्पीड पे चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस हो गया? ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस आफ्टर विच ए रियलाइजेस कि अरे यार चोरी हुई। सो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। 10 किलोमीटर्स पर आवर इंटू, अब क्योंकि ये 10 किलोमीटर्स पर आवर है तो आपको टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 मिनट्स इज हाउ मेनी आवर्स? 10/60। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज बेसिकली 10/6 या 5/3 किलोमीटर्स। 5/3 किलोमीटर्स ट्रेवल हुई, उसके बाद ए को रियलाइज हुआ, तो अब ए भागने लगेगा 10, 20 किलोमीटर्स पर आवर पे। लेकिन याद रखो सी भी अभी भी चल रहा है 10 किलोमीटर्स पर आवर पे, वो रुका नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये डिस्टेंस है और आप इसको इससे डिवाइड करके टाइम निकाल लो। यू हैव टू रियलाइज कि क्योंकि सी भी चल रहा है तो ए और सी के बीच में एक रिलेटिव स्पीड होगी, तो फर्स्ट यू फाइंड द रिलेटिव स्पीड। अब ये क्वेश्चन को आसान कितना कर देता है ये देखो, नहीं तो आपको इसके लिए फाइंड करना पड़ता, फिर इसकी स्पीड को कंसिडर करना पड़ता, एंड कॉम्प्लिकेट हो जाता क्वेश्चन। आपने सीधा रिलेटिव स्पीड निकाली, 20 - 10, देयरफॉर एस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज 20 - 10 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स पर आवर। अब आपको 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करना, क्यों? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। द मोमेंट दिस डिस्टेंस बिकम जीरो, ए फाइंड सी। तो डिस्टेंस अपॉन, चलो मैं इसको अभी कर देता हूँ, तो डिस्टेंस कितनी है जो कवर करनी है? 5/3 किलोमीटर्स। एंड स्पीड रिलेटिव कितनी थी ए सी की? 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो अब आपको टाइम निकालना है। टाइम कितना होता है? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5/3 / 10। अब लेकिन ये आएगा आवर्स में, आपको मिनट्स में चाहिए, तो कितना होगा? 5/3 / 10/60 मिनट्स। अब आप करो, ये से ये कट गया, 3 से 6 कट गया, तो 10 मिनट। मतलब 10 मिनट हो गए चोरी हुए हुए, लेकिन अगर ये 10 मिनट इस स्पीड से भागेगा तो चोर को ढूंढ लेगा अगर सेम डायरेक्शन में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि रिलेटिव स्पीड या तो सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में, अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये 2 डायमेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल। ये एक रिवर, इसकी जो विड्थ है वो 500 मीटर है। ठीक है, एक स्विमर है जिसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ना स्विम करने की, वो 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये रिवर है तो ये ऑब्वियसली फ्लो कर रही है 3 किलोमीटर्स पर आवर, लेट्स से 3 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्विमर है इसको ना एग्जैक्टली इधर आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इधर ना खाई है, वाटरफॉल है। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल स्विम करेगा, सीधा सीधे स्विम करेगा, तो क्या होगा? रिवर के मोशन की वजह से ये इस तरफ जाता जाएगा और ये वाटरफॉल से जुड़ के खत्म हो जाएगा। तो ही हैज टू मेक श्योर कि वो थोड़ा इस तरफ जाए। यू सी, जिस डायरेक्शन में रिवर का मोशन है, अगर आप रिवर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। जब भी आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में घुसते हो आपको उसकी स्पीड ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो इस केस में रिवर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। आपको चाहिए कि ये बंदा सीधा सामने जाए, तो आपको ये एक इंट्यूशन हो रहा है कि इसका मतलब है इसको ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को काउंटर एक्ट करना, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में इस तरह जाना है कि इसकी स्पीड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर, ताकि रिवर की स्पीड न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, ओके, आप समझ गए। अब आपको ये भी पता है कि इसकी जो टोटल स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर ये जाएगा ताकि इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट 3 हो, तो ये 5 हो गया। तो बेसिकली ना आपको ये फाइंड करना है ये कितना होगा, इसको एक्स मान। अब आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप कहोगे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 25 माइनस 9 इज 16। तो एक्स क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, एक्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि इस रिवर के केस में जो स्विमर है उसकी वर्टिकल स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। हॉरिजॉन्टल कितनी है, 3। क्यों? बिकॉज उसको रिवर की इस डायरेक्शन की स्पीड को न्यूट्रलाइज करना था। तो टोटल मैक्सिमम स्पीड उसकी पॉसिबल है 5, उसमें से वर्टिकल हो गया ये। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि ये तो 500 मीटर की चौड़ाई है इस रिवर की, तो कितना मिनट स्विम करना पड़ेगा उसको कि वो सामने वाले छोर पर भी पहुंच जाए यहां से और डूबे भी ना। ठीक है, तो आप कहोगे डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। 500 मीटर्स को आप लिख सकते हो 0.5 किलोमीटर्स इक्वल टू स्पीड। अब आप 5 नहीं लोगे स्पीड, 4 लोगे, क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड का कंपोनेंट 4 है। 0.5 किलोमीटर इज 4 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, देयरफॉर टाइम इज 0.5 अपॉन 4 आवर्स। अब इसको मिनट्स में अगर आप पढ़ना चाहो, टाइम इज 0.5 अपॉन 4 इंटू 60। तो अब ये कटेगा, ये आएगा 8, ये आप कर ही सकते हो कैलकुलेशन। बेसिकली इन द एंड 7.5 मिनट्स। तो टाइम कितना है, इसको 7.5 मिनट्स स्विम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच द ऑपोजिट एंड। अब किस डायरेक्शन में स्विम करना पड़ेगा, ये भी बहुत सिंपल है। यू गाइस ऑलरेडी नो कि उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 है। ठीक है, यानी कि ये 3, ये 4 एंड ये हो गया उसका रिजल्टेंट। ठीक है, ये 4 है, ये 3 किलोमीटर पर आवर है और ये 5। ऐसा क्यों है, 5 किलोमीटर्स तो हमें ऑलरेडी पता था कि उसकी मैक्सिमम एबिलिटी, तो जो रिजल्टेंट होगा ना इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल, टोटल 5 पॉसिबल है। ये 3 होगा क्यों, बिकॉज इट हैज टू न्यूट्रलाइज द रिवर ऑफ द स्पीड, एंड बचा जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला 4। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, टैन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर व्हिच इज 4 अपॉन बेस, देयरफॉर थीटा इज टैन इनवर्स 4/3। यानी कि इसको 7.5 मिनट स्विम करना पड़ेगा एट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4/3। इस एंगल पे अगर ये स्विम करेगा ऐसे 7.5 मिनट तक, तो ये रिवर के दूसरे छोर पहुंच जाएगा। ठीक है, सो दीज आर जस्ट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, हम रिलेटिव मोशन कैसे समझते हैं, कैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं। आने वाले वीडियोज में आई बी पोस्टिंग शॉर्ट वीडियोज 10-12 मिनट के, सो यू कैन एब्जॉर्ब देम, यू हैव वन डे टू फुली अंडरस्टैंड इट। आने वाले वीडियोज में वील कवर सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोशन, रेस्ट एंड लेटर ऑन वील टॉक अबाउट फोर्सेज एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, स्टे ट्यून्ड। I'll keep updating you more about Atulya classes, Atulya physics and physics in general. Have a good night, everybody. Bye bye. Thank you.